नहीं है, कोई काम काज तो करते होंगे ना आप? आप ये अपने प्राइवेट काम खुद बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से अपने रिश्तेदारों से बहुत तंग हुए हैं। वो ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? दुश्मन किसी से तो ऐसे लगे जैसे आपने किसी को दुआ ही नहीं दी कभी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात मलिक। आज हम लोगों से पूछेंगे कि वो कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते। आइए चलिए हम लोगों से पूछते हैं कि वो कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? और आप क्या करते हैं? इधर ही क्या करते हैं आप? नहीं है, कोई काम काज तो करते होंगे ना आप? क्या करते हैं? प्राइवेट क्या काम करते हैं? आप ये अपने प्राइवेट काम खुद बोल रहे हैं। आप अपने प्राइवेट काम क्या करते हैं? अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि वो ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते। कोई एक शख्स तो होगा ना, कोई एक शख्स तो होगा ना जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते। अब आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे ही पता है कि वो कौन सा शख्स है। वो कौन सा शख्स है आप बता दें? आप बोल रहे हैं कि दुश्मन के अलावा मैं बोल रही हूँ, ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से अपने रिश्तेदारों से बहुत तंग हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि सिर्फ दुश्मन और रिश्तेदारों को हम लंबी उम्र की दुआ नहीं देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं कि किसी एक बंदे का नाम ले लें जिससे आप मतलब बहुत ज़्यादा तंग हैं? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? केसर खान। केसर खान, आपका नाम किसने रखा जी? मेरे वालिद ने। वालिद के साथ ज़्यादा बनती है? मामा के साथ नहीं बनती? बनती है, ऐसे बोल रहे बनती है जैसे सब कुछ उन्होंने ही बिगाड़ा है आपका। बनती है? अच्छा, आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ। क्या करते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से? इस्लामिक। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। कैसा माहौल है वहाँ का? अच्छा है, बस गुजारा है। नहीं अच्छा है, बस ये बस पे गौर करें, ये बस पे क्या था? नहीं आपने बोला अच्छा है, बस गुजारा है, बस ये बस कहाँ के रुकेगी आपकी? बस ये आपकी नहीं नहीं ये बस तो आप रोकेंगे क्योंकि बस आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला। माहौल का कोई खास माहौल नहीं। अच्छा, क्या मतलब खास माहौल की इन अ सेंस क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब स्टडी सर्कल्स वगैरह ये वगैरह नहीं है। अच्छा, मतलब वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है? अच्छा अच्छा, बहुत कम है। मतलब आप उस यूनिवर्सिटी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आपका ये कहना है? ये तो हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो फिर आपने दाखिला क्यों लिया है? आपने दाखिला क्यों लिया, किसी के प्रेशर में आके? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से लिए? अच्छा, जो अपनी मर्जी से दाखिला लेके फ्रेंड में ये बोलते हैं ना कि बस, तो नहीं वो यूनिवर्सिटी लाइफ ही कुछ ऐसी होती है। चलें सही है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? ऐसा कौन सा शख्स है? दुश्मन, अपने दुश्मन। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारी स्ट्रीट में दुश्मन, दोस्त मतलब इन दोनों से मतलब दुश्मनी है कोई खास किस्म की? दोस्त से कुछ लोगों को ज़्यादा है। अच्छा, बदुआ करते हैं? नहीं, बदुआ तो आप अगर ना भी चाहो तो आप दुश्मन के लिए नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। कौन सा शख्स है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। किसने रखा आपका ये नाम? वालदा ने। अच्छा सही, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में। क्या जॉब करते हैं? मैं एज अ कंडक्टर। अच्छा, एज अ कंडक्टर जॉब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। कैसे मतलब आपको कैसे उसकी फैकल्टी वगैरह? जी सब अच्छा है। जाहिर बात है वहाँ काम करें ये तो बोलना है आपने, सब कुछ अच्छा है? नहीं नहीं, क्यों रिस्क हम आ रहे हैं वहाँ से, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, सब टाइम पे मिल जाती है हर चीज़ जैसे। हाँ जी, सब अच्छे हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं, सब दोस्त हैं। मतलब आइए अम्मा जी इधर आए ना, जरा मेरी बात सुने। अम्मा जी ने पीछे से बोला है कि जिसके पास पैसा हो वो अच्छा ही होता है। सही बात है, ये तो बात बोलिए कि जिसके पास पैसा हो वो तो अच्छा ही होता है। चलें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि वो ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? वो
शख्स है या आप सारे मुझसे शख्स ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपने शख्स को पहली दफा कोई नाम शख्स पहली दफा सुना है। सोचें, थोड़ा सा सोचें, शख्स है, थोड़ा सा जोर दे आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना थोड़ा सा जोर दे आ जाएगा। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप खुद बता दें। चलें, सही है, ठीक है, थैंक यू। बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेहरान खान। मेहरान, मेहरान खान, ठीक है। आपका नाम किसने रखा है? अबू ने रखा है। अबू ने रखा है। अबू से ज़्यादा बनती है अम्मी से? अबू से। अबू से क्यों, अम्मी क्या करती हैं? अम्मी से क्यों नहीं बनती? लोग लड़कों को, लड़के जिस लड़कों से पूछे वो तो कहते हैं मेरी अम्मी से बनती है ज़्यादा। अच्छा, ये क्या माशरे में सेलेक्ट हुआ है कि लड़कों का नाम अबू रखते हैं और लड़कियों का नाम कौन रखते हैं? अम्मी रखती हैं। सही हो गया। अच्छा, हम आपसे सवाल पूछेंगे कि पहले तो चलें छोड़े, सवाल को छोड़ें, ये आपका ये कारोबार है, मतलब आप ये, मतलब ये सब चीज़ें बेचते हो वगैरह? अच्छा, ठीक है, आप मुझे बताएं, चलें, आपको कौन सी घड़ियाँ पसंद हैं, किस किस्म की आप बेचते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। राडो। क्या राडो? उसके अलावा बस राडो की रखी हुई है सब, सोच लें। अच्छा, आपको जो पसंद है पर्सनली, मतलब आपको पसंद है राडो। चलें, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, कैसा कौन सा शख्स है जिसको आप लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? आपकी ऐसी से तो ऐसे लगे जैसे आपने किसी को दुआ ही नहीं दी कभी। नहीं, दुआ तो करते हैं ऐसा तो। चलें फिर बताएं, ऐसा कौन सा शख्स है जिसको आप लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? अब ये कैसा बताऊं? ये कैसे, मतलब मुंह से बताएं और किधर से बताएंगे आप? बताएं, ऐसा है नहीं, नहीं बता आपको, एक दफा दोबारा सोच, आते ही नहीं है, मतलब डट गए, नहीं नहीं मैंने नहीं बताना। नहीं, चलें सही है, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या पता? नहीं नहीं, कुछ तो होगा ना, क्या पता, क्या सोच के बोल ले। मेरा नाम मदीहा है। मदीहा नाम है, क्या करती है? मैं क्रिकेटर हूँ। क्रिकेटर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से, कुछ अंडर 19 वगैरह कुछ खेल रही हैं? मैंने फर्स्ट क्लास भी खेला है और अभी इस्लामाबाद टीम से खेल रही हूँ। माशाल्लाह, आप मुझे बताएं, आपको इस चीज़ में कोई सपोर्ट करता है, मामा पापा या? ऐसी बात है, जब तक घर वाले सपोर्ट ना करें तो बंदा आगे नहीं। अच्छा, वो कुछ लोग होते हैं ना घर से लड़के भागे, नहीं मैंने ये चीज़ बंद करना है, मैंने ये चीज़, तो मैं उससे इनसे पूछ रही हूँ कि आपको कोई सपोर्ट करता है या मामा पापा या सब? मेरे घर वाले भाई मेरा सपोर्ट करते हैं, घर वाले, अम्मी सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजर रही थी मुझे आपकी पर्सनैलिटी से लगे या क्रिकेटर या फुटबॉलर, दोनों में से तो कुछ तो होंगे आप, होंगे आप, सॉरी पर मेरे, मुझे आपको देख के भी होंगे आपने कह रहे सॉरी। अच्छा, और बताएं आपकी क्या, मतलब और आप पढ़ रही भी हैं? जी जी, स्टडी क्या फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ईयर में पढ़ी, मतलब आपके दोस्त लड़के लड़कियाँ आपसे तो बहुत इंस्पायर होते होंगे? हाँ, मेरे लड़के भी दोस्त हैं और लड़कियाँ भी दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो ज़्यादा फिर लड़कों के साथ मेरी बनती है लड़कियाँ। जाहिर सी बात है, ऐसा गेट लुक, मैं सिर्फ गेट लुक की बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसा स्टाइल है आपका, तो आपको तो लड़कों से ही बनती हो, कितना मतलब कैसे लड़कों से बनती है, कुछ आपको ऐसे नहीं लगते मतलब टीचर टाइप क्या लड़के? हाँ ठीक ही है, बस गुजारा चल जाता है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रही हैं कि ठीक ही है, अपने दोस्तों को कह रहे हैं ये कि ठीक ही है, देख लें इनके जो दोस्त हैं ये आपको बोल रहे ठीक ही है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? आप अपने दोस्तों से दुश्मनियाँ ना निकालिएगा, ये ना बोलिएगा कि फलां 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 मैं आपको लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकती। हाँ, दोस्तों को नहीं, नहीं कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते। बात है, जिससे नफरत हो उसी को ही दुआ। अच्छा, मैं जितनी भी आवाम से यहाँ से पूछती आई हूँ ना, वो यही कह रहे हैं कि या दुश्मन हो या कोई एक नाम ले रहे हैं, आप ही कोई नाम ले लें। किसका नाम किसका लूँ? नहीं, आपने कहा ना दोस्तों को ही, पर्सनली आपकी किसी दोस्त के साथ दुश्मनी लग रही थी तो आप मुझे बता दें। खास दुश्मनी तो किसी के साथ खास नहीं है, पर है तो सही ना, कोई छोटी बहुत ही बता दें। दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, बस कुछ दोस्त होते हैं ना जो पीठ पे चुरा खोपते हैं ना, उनके लिए बस दुआ नहीं कर सकते। अच्छा, हम दुआ नहीं कर सकते, चलें कोई नहीं, चलें आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता। सवाल दोबारा रिपीट करें, ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं पता आपको, सवाल का जवाब नहीं पता, चलें कोई नहीं, आप क्रिकेट में अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, चलें सही, बहुत अच्छा लगा। हम इनसे पूछेंगे ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते? मरा हुआ शख्स है, जो पहले से ही मरा है उसको हम लंबी जिंदगी की कैसे दुआ दें? आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं?
मैं अभी ग्रेजुएशन की है और अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टर बनने के लिए। अच्छा, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से। अच्छा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले पीछे देख लें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से तंग है वो कह रहे हैं। इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है कि वो मरा हुआ शख्स है जिसको हम दुआ नहीं दे सकते, इनको अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, दोस्तों से तो बहुत ही ज़्यादा कुछ है कि ये बोल रहे हैं। कुछ लोग तो दोस्त का बोल रहे हैं। चल ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे सवाल जवाब किए कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते। बहुत से लोगों ने कहा कि शख्स, बहुत से लोगों ने कहा आपने इंसान बोला है, बहुत से लोगों ने बोला कि दुश्मन, बहुत से लोगों ने बोला दोस्त। मेरे ख्याल से कुछ लोगों की पर्सनली दुश्मनी वो बहुत चल रही है, इसलिए उन्होंने दोस्त दुश्मन इकट्ठे मिक्स करके बोला। लेकिन जो इसके जवाब है वो है मुर्दा शख्स, जिसको हम लंबी उम्र की दुआ नहीं दे सकते।